जी, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 10 बजे से, और मायरा भी नहा के आ गई है। इसको कपड़े वगैरह डालते हैं, फिर मैं होती हूँ रेडी जाने के लिए। आज मुझे प्रीति ने जल्दी बुला लिया है, उसको धाम खाने चलेंगे तो बोलती मुझे अकेले शर्म आते, तो आ जा। फिर मैं चलती हूँ, अब निकलती हूँ थोड़ी देर में, पहले इसको रेडी कर लेती हूँ, है ना। है रेडी, मायरा ने बनाई है आज दूध पोनी। बताओ बेटा, बहुत सुंदर लग रहे मेरे बच्चा, क्यूट क्यूट। बोलती भैया मेरी चोटी बना दो। स्ट्रीट डॉग्स ना, स्ट्रीट डॉग्स जी। इट वॉज द सेकेंड डे ऑफ आवर क्लास ऑफ स्पोकन इंग्लिश, एंड इट वॉज फर्स्ट डे फॉर प्रीति, राइट? या ओके, एंड वी आर एंजॉइंग द क्लास एंड गो बैक टू होम, गोइंग बैक टू होम। और इससे ज़्यादा हम लोग अभी ज़्यादा बोल नहीं सकते, क्योंकि बोल तो लेंगे हम लोग, लेकिन कुछ एक ब्लॉग्स देखने वाले ऐसे होंगे जो मतलब बिल्कुल परफेक्ट होंगे इंग्लिश में, तो वो लोग हंसेंगे और हम लोग बन जाएंगे हंसी के पात्र। तो अभी हम लोगों को ऐसे नहीं बनना है, हम लोग बात करते हुए जाएंगे, अभी इंग्लिश में इस कन्वर्सेशन करेंगे, लेकिन ब्लॉग में नहीं दिखाएंगे क्योंकि अभी हमें इतनी अच्छी नहीं आती है। और परफेक्ट नहीं है ना? जी बिल्कुल। और अभी हम लोग चलते हैं, फिर इसको घर छोड़ के फिर मैं निकलूँगी गाड़ी में। गाड़ी मैंने नीचे खड़ी करी आज, कल भी मैंने वहीं खड़ी करी थी, पर कल मैं एक्चुअली मैं अकेले थी तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो आज प्रीति साथ है, तो फिर आज टाइम का पता नहीं चलेगा। मिलते हैं आप सबसे रास्ते में, यहाँ से ना नीचे को ना, तो देखो पैराशूट नीचे कैसे हो गया, बिल्कुल टेढ़ा, डर ही लग रहा था मुझे तो। स्टंट कर रहे हैं ये। हाँ, पास में ही यहाँ पे ना लैंडिंग साइट हो, बट्टू 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 मिनिस्ट्री आ गया ना। अच्छा, लैंडिंग पे। आज बहुत दिनों बाद फिर से दूध लगाया हमने, और मक्खन निकाल रही हूँ, अभी खाएंगे हम डिनर में ताज़ा ताज़ा मक्खन चपाती के साथ, और लस्सी का गिलास लेंगे बिल्कुल फ्रेश। ये देखिए आज कितना बड़ा पेड़ा निकला है मक्खन का, देखिए मजा ही आ जाएगा आज तो। सो आज है मेरा जागरण, और मैंने निकलना था शाम को जागरण के लिए, और क्लास मेरे को आज एब्सेंट करना पड़ेगा क्लास में। सो ऐसा कुछ मैंने प्लान बनाया था कि मैं निकलूँगी 2 बजे, बट यहाँ पार्लर से दीदी की कॉल आ गई कि आज पार्लर में कोई है नहीं, और आरती बीमार हो गई है, सो बोलते आ जाओ आप। तो मैंने कहा मैं 2 बजे तक ही आ सकती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने पार्लर के लिए जागरण के लिए निकल जाना है, तो बोलते कोई बात नहीं आ जाओ फिर। तो अभी बैठी हूँ मैं पार्लर में, अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, मैं ही हूँ अकेली। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30, और मैं अभी उतरी यहाँ पुल के पास बस से। मैंने मुझे आते हुए देख लिया अभी। आगे मैं बच्चा क्या बोल रहे है? लाई हूँ अपने बच्चे को। अच्छा, चिज्जी लाई हूँ। हाँ जी, आप मम्मा छा चके रहे थे रात को घर में। उल्टा हो गया डब्बा। क्या सोच रहे हो, खोल दे ले 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 ले। हम लोग क्लास के लिए एंटर कर रहे हैं, आज ऊपर ही लगेगी ना फिर से क्लास, और यहाँ पे बहुत धीरे धीरे बोलना पड़ता है।
क्योंकि मेडिटेशन पे बैठे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो प्रीति का आज तीसरा दिन है और मेरा भी तीसरा दिन है, क्योंकि फर्स्ट डे ही एब्सेंट थी और लास्ट डे मैं। सो चलते क्लास में। मैं तो बीच बीच में एब्सेंट होती रहूँगी, तो बट इससे मैं कंसर्न करती रहूँगी, बीच बीच में पूछती रहूँगी कि जो भी सर हमें सिखाएंगे। ओके, अब इससे आगे मैं आपको नहीं दिखा सकती। ओके, वी विल फिनिश अवर क्लास, सो वी शुड लीव नाउ। तो ये है अमीशा, और बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोलती है, बहुत अच्छा, आई एम वेरी इम्प्रेसिव। ये बहुत शाये हैं बेचारे, पर बहुत अच्छे लगे मुझे, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, क्यूट से। और ये है प्रीति, मेरी कजन सिस्टर, ये बड़ी चपड़ चपड़ बोलती है बहुत अच्छा। तो आई होप कि अमीशा हमें सिखाएगी, जब तक हम लोग यहाँ पे हैं हम लोग इससे सीखेंगे बहुत कुछ। और ये योगा इंस्ट्रक्टर भी है। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, मिलते थोड़ी देर बाद। आशीर्वाद, कैसी रही शादी? बढ़िया रही, मैंने वीडियो सेंड कर ली थी, नेट नहीं चला। चलो कोई बात नहीं, फिर रानी भी आई है सुबह 100% नेट। कौन आया? कौन आया बेटे? सुबह एक जगह रखा मैं रखे माँ गई। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और हम लोग निकल रहे हैं खेत के लिए। आज गेहूँ काटना है, मौसम कुछ ऐसा है, बट 4-5 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। आज बारिश है 40% 1 बजे के बाद, तो थोड़ा काट ही लेते हैं, ज़्यादा पड़ जाएगी तो फिर आ जाएंगे घर वापस। हेलो, बंडल बंडल। तो आज हम गेहूँ काटने आए हैं, मेरे इधर बैठ के रोटी भी खा रही है और फ्रूटी भी निकाल रही है। मेरे को हिचकियाँ लग गई है। हाथ काटने का डर नहीं रहता है मम्मा? हाथ काटने का डर नहीं रहता कि हाथ कटने का डर नहीं रहता? देखो मैंने क्या किया, ये मतलब इसके जो ये है ना, जिसमें ये लगी गेहूँ लगे हैं आगे, तो इससे जो है हाथ में लग जाते हैं क्योंकि बहुत नुकीले होते हैं आगे ये। तो इसके लिए मैंने क्या करा है, सॉक्स ही फाड़ दी, सॉक्स काट दी, आगे देखो ये बना दिया मैंने, जैसे स्पोर्ट्स वाले नहीं लगाते एक वो, पर वो हाथ में लगा होता है इधर से, ये देखो मैंने आगे से काट दिया सॉक्स लगा दिया। आपने भी कट देना था, थोड़ा सा टेढ़ा काटना था आपने। क्या बना रहे हो आप? बनाओ बच्चों, बनाओ। पैन पैन में डालो, पैन में डालो पानी। अच्छा बस मामा, एक मिनट। फेंक दिया है? फेंक दिया था, लाया मैं। अच्छा चलो खाना माते है। आपने बनाना है माइक्रोवेव में डालो। चलो केक बनाते, केक पहले तो ये वाला खेत हमने काट दिया अभी, और मम्मी वगैरह नीचे काट रहे। सो हम लगते हैं अभी इस आधे वाले खेत से इस तरफ को, क्योंकि परे थोड़ा सा कच्ची लग रहा है गेहूँ। वो पापा नीचे लगे हुए थे, सबसे नीचे वाले खेत में। परूर मायरा को बिठाया था इधर, पहुँच गए हैं नीचे, दिखाती हूँ मैं आपको। पानी भी थोड़ा सा ही बचा हुआ है,
धूप लग पड़ी, तेज धूप। हमने यहाँ रखी छाया में, इसको भी ले चलते नीचे। मेरा मायरा का दादा और परी भी आ गया, और हमने अभी ये वाला खेत कर दिया पूरा, ये वाले बच के हमने दो। ठंडा पानी मंगाया था, छोटी बोतल पानी। मम्मी पापा और पल्लू हैं खेत में, और मैं, परू और मायरा हम लोग निकले अभी घर को। आप देख सकते हो अंधेरा हो रहा है, और पर इसको डाल बैग में डाल, और हम लोग जाकर बनाएंगे अभी डिनर। और डिनर में हम बनाएंगे आज सोयाबीन की खिचड़ी, क्योंकि बहुत थक गए हैं, अब चपाती नहीं बनेगी हमसे, है ना मायरू। अभी बज रहे हैं सुबह के 8, और परू को रेडी करके हम लोग छोड़ के आए घर कि बस ले लेना स्कूल के लिए। और मैं और मायरा जा रहे हैं ब्रेकफास्ट लेके, मम्मी आराम से। बेटा गिरना नहीं, इतनी दौड़ लगाई है ना इसने। तो ये हमारा हगवक हो गया है, ये बच्चा छोटा था, तो मम्मी वगैरह इसको करके आ जाएंगे ब्रेकफास्ट करके। और मायरा निकल रहे हैं घर के लिए, मेरे को बाजू में हो गई दर्द, इसको उठाया नहीं जा रहा, तो मैंने इसको पीठ में डाल दिया। से हाय, हाय बोलो। ओके।